नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिकोफ बी सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, इंडिकोफ बी सिरप को कैसे लेना चाहिए और इंडिकोफ बी सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि इंडिकोफ बी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इंडिकोफ बी सिरप का उपयोग बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इंडिकोफ बी सिरप बलगम को पतला करती है और फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है। इसके अलावा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी से पीड़ित व्यक्तियों को भी डॉक्टर इंडिकोफ बी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। इंडिकोफ बी सिरप वायुमार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करके और फेफड़ों के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करती है। इंडिकोफ बी सिरप को लेने के बाद फेफड़ों के वायुमार्ग चौड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी से पीड़ित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। इंडिकोफ बी सिरप के अंदर मेंथोल भी मौजूद होता है, जो गले की खराश व गले के दर्द को ठीक करने में मदद करता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इंडिकोफ बी सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में इंडिकोफ बी सिरप की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, घबराहट होना, चक्कर आना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना या नींद कम आना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना, पसीना अधिक आना, दस्त होना, भूख कम लगना, छाती में जलन होना और मुंह के स्वाद में बदलाव होना आदि साइड इफेक्ट्स इंडिकोफ बी सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिकोफ बी सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। इंडिकोफ बी सिरप को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलीलीटर इंडिकोफ बी सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर इंडिकोफ बी सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर इंडिकोफ बी सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। इंडिकोफ बी सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको इंडिकोफ बी सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिकोफ बी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को इंडिकोफ बी सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। बलगम को बाहर निकालने के लिए और खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको इंडिकोफ बी सिरप के साथ साथ हर रोज दिन में 2 से लेकर 3 बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए, ताकि फेफड़ों में जमा बलगम पतला होकर आसानी से बाहर निकल सके। और इसके अलावा आपको बर्फ व ज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक इंडिकोफ बी सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। अगर आपको इंडिकोफ बी सिरप को लेते हुए 1 सप्ताह से भी अधिक का समय हो चुका है और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो आपको डॉक्टर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए, ताकि आपका डॉक्टर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जांच करवा सके। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में इंडिकोफ बी सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इंडिकोफ बी सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आती है या चक्कर आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। इंडिकोफ बी सिरप के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिकोफ बी सिरप के साथ शराब का सेवन करने की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है और नींद आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर और कोई दिल से संबंधित बीमारी होने पर इंडिकोफ बी सिरप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना इंडिकोफ बी सिरप को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इंडिकोफ बी सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इंडिकोफ बी सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए।
चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इंडिकोफ पी सिरप को न लेने की ही सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इंडिकोफ पी सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इंडिकोफ पी सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इंडिकोफ पी सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।